नमस्कार, एमएसटीवी डॉट इन में आपका स्वागत है। विदेश की खबरों के साथ मैं हूं आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से इतर सोमवार को यहां मुलाकात की। भारत ने इस मुलाकात को एक संक्षिप्त शिष्टाचार भेंट जबकि पाकिस्तान ने इसे एक अच्छी मुलाकात बताया है। मोदी और शरीफ की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई जिस दौरान उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसके बाद बातचीत के लिए बैठे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस आकस्मिक भेंट को कमतर पेश करते हुए कहा कि ये लीडर्स लाउंज में अचानक हुई शिष्टाचार मुलाकात थी। प्रधानमंत्री कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मिले। शरीफ ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि बातचीत अच्छी रही, अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मेरी अच्छी चर्चा हुई और अच्छी तरह से हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का शुभारंभ किया और विकसित और विकासशील देशों को साथ लाने वाली इस पहल के लिए भारत की ओर से 3 करोड़ डॉलर की सहायता का भी वादा किया। मोदी ने इसके साथ ही ऐलान किया कि भारत हरियाणा के गुड़गांव में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसरों में इस पहल की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस पहल के तहत सचिवालय ढांचागत निर्माण के लिए करीब 3 करोड़ डॉलर का योगदान देगा और अगले 5 साल के लिए इसके संचालन को मदद मुहैया कराएगा। और नेपाल में 20 सितंबर को लागू हुए संविधान के बाद उत्पन्न आंतरिक संकट पर नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार सैन्य बल का प्रयोग कर सकती है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव के अनुसार नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली और नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ इस मुद्दे पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। योजना के तहत नेपाल के तराई में बसे मधेसी बहुल जिलों में आपातकाल लागू कर इन्हें सेना के हवाले किया जा सकता है। इस संबंध में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति राजेंद्र छत्री के साथ प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं लेकिन प्रधान सेनापति ने विषय की गंभीरता को देखते हुए उनसे कुछ समय मांगा है। अब बीएसएफ ने गुजरात तट के पास भारतीय जल क्षेत्र में लावारिश पड़ी मछली पकड़ने वाली 2 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त कर ली हैं। कच्छ जिले के भुज मुख्यालय में तैनात बीएसएफ के जवानों ने हरामी नाला में नौकाएं जब्त की। एक सूत्र ने कहा कि दोनों नौकाएं लगभग 30x50 फुट की हैं। बीएसएफ ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह नौकाएं यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा के पास कच्छ जिले में मिली हैं। इसमें बताया गया है कि इन पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं पर सवार लोग और नौका मालिक बीएसएफ की गश्ती दल को देखकर अन्य नौकाओं में भाग गए होंगे। एक फाइटर जेट गिराए जाने के मामले में रूस और तुर्की के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को पेरिस में क्लाइमेट समिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन से मिलने की पेशकश ठुकरा दी। पुतिन ने यह भी कहा कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस्लामिक स्टेट का ऑयल तुर्की से ही होकर गुजरता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एमएसटीवी की बाकी खबरें आप एमएसटीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।